हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हो तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे कराते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। एक लर्निंग एस्पिरेंट होने के नाते मुझे बोलना नहीं होगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे तैयारी फ़िलहाल कर रहे हैं सुपर टीटी के प्रैक्टिस सेट्स की। तो 23 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है 24th, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 23rd ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपूल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार। इस पंक्तियों में जो है वो रस कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो रस है ये है आपका करुण रस। यहाँ पे सब दुख की बात की जा रही है तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा आपका करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। देखिए यहाँ पे जो है ना, दुखद घटना का एक प्रसंग है जिसके ऊपर निरूपण यहाँ पे किया गया है, और इसीलिए जो करुण रस है इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है? शोक हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो बताया गया कि मूर्छित होके गिर पड़ना, रोना, आहे भरना, और इसके अनुभव होते हैं। और कवि सुमित्रा नंदन पंत को उपयुक्त पंक्तियों में सुखमय संसार को अचानक नष्ट हो जाने की जो जन्मों की गहरी निराशा है ना, वो यहाँ पे उन्होंने व्यक्त किया है इन पंक्तियों में। इन पंक्तियों में उन्होंने ये बताया कि जो नववधु है उसका प्रियतम जो है वो विवाह के बाद पहले ही दिन जो है वो काल कवलित हो जाता है, इन सेंस काल के मुंह में चला जाता है। तो यहाँ पे जो वो दुख है उसका मौन रह जाना ये अनुभव है, और विषाद, चिंता, लज्जा, ये सारी चीज़ें जो है वो संसारी भाव की साइंस है। तो उनके संयोग से जो यहाँ पे रस व्यक्त हुआ है वो है आपका करुण रस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका एकदम अप्रोप्रिएट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? टकसाल, दाग, घर या खीरा? तो देखिए टकसाल जो है वही आपका जो वो यहाँ पे है स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जबकि अगर हम बात करें दाग, घर और खीरा की, तो ये सारे जो शब्द हैं वो हैं आपके पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो देखिए ऋतु जो है ना यही आपका जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कौन सी ऋतु चल रही है? हम कहते हैं ना वसंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, तो ये सारी क्या है? ऋतुएं, और ऋतुओं में जो है वो ये है स्त्रीलिंग। और यहाँ पे बात करते हैं पंडित, हंस और आचार्य की, तो ये सारे आपके हैं पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है वो पुल्लिंग कौन सा है? सूची पत्र, किताब, गंगा या फिर संसद? देखिए सूची पत्र जो है वही, इसी को हम पुल्लिंग में इसको प्रयुक्त करते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो किताब, गंगा और संसद है, इसे हम स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में जानते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस रस का जो संचारी भाव है वो उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होता है? तो देखिए यहाँ पे जो रस है श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस या फिर रौद्र रस। तो देखिए वीर रस का जो स्थायी भाव होता है ना वही होता है आपका उग्रता, गर्व, हर्ष इत्यादि होता है इसमें। और यही जो वो परपक्व हो जाता है तो इसी को हम क्या देते हैं? उत्साह बना देते हैं। तो ये आपका जो वीर रस है यही आपका जो है वो संचारी भाव, उग्रता, गर्व और हर्ष को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? हाथी, मोती, पानी या फिर नकेल? तो देखिए जो नकेल है ना, नकेल, नकेल कसी जाती है, बांधी जाती है, तो सब ये स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नकेल जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी अगर बात करें हाथी, मोती और पानी, याद रखिएगा पानी भी जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। तो ये सर तीनों जो है वो आपके पुल्लिंग है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? अब ये समास अगर नहीं पता तो फिर पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। पूर्व पद जो है संख्यावाची किसका होता है? चौराहा, नवग्रह। यहाँ पे चार क्या है? चार राहों का समूह,
नव क्या है, नौ ग्रहों का समूह, तो यहाँ पे फोर आ गया, यहाँ पे नाइन आ गया। जब स्टार्टिंग में किसी के पूर्व पद जो है वो संख्या के वाचक अंग बताए गए, वही संख्या आ रही है, तो वहाँ पे आपका जो है वो द्विगु समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रहीमन चुप ही बैठिए देखी दीनन को फेरा, जब नी के दिन आई है बनत न लगही बैर। देखिए उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है वो है आपका दोहा। कौन सा छंद है, यहाँ पे आपकी बात हो रही है दोहा की, तो दोहा अगर हम बात करते तो ये है आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद, जिसके कि विषम चरणों की अगर हम बात करें तो 13 मात्राएं होती है और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। और यहीं अगर हम बात कर लें सोरठा की, तो सोरठा में होती है पहले 11, बाद में होती है 13। और दोहा जो है वो इसका अपोजिट है, यानी कि पहले इसमें आ जाती हैं 13 मात्राएं और बाद वाले चरणों में होती हैं 11 मात्राएं, यानी कि हम विषम और सम चरणों की बात कर रहे हैं। यानी कि विषम चरणों में पहले आएंगी 13 मात्राएं, यानी कि पहला और तीसरा चरण, और बात करें अगर दूसरे और चौथे चरण की, तो यहाँ पे होते हैं 11 11 मात्राएं। और इसी का सेम अपोजिट होता है सोरठा। देखिए सोरठा को आप याद कर सकते हैं, जब हम लिखते हैं सोरठा, देखिए इस प्रकार से जब हम लिखते हैं सोरठा, तो यहाँ पे सोरठा के लिए ये दो लाइनें आती हैं, तो इसे आप एक बना के 11 ऐसा याद रख सकते हैं। स्टार्ट होता है ये 11 से और दोहा इसका अपोजिट यानी कि 13 से स्टार्ट होएगा। तो यहाँ पे आपका जो उपयुक्त पंक्ति है ये है आपकी दोहा की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, शिव का कौन सा अर्थ नहीं होता है। तो देखिए शिव का यहाँ पे अर्थ बताया गया है, तो शिव के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो इनके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि देखिए महादेव होता है, पशुपति भी होता है, चक्रपाणि तो देखिए विष्णु भगवान का होता है, शंकर भी जो है वो शिव का अर्थ होता है। तो ये तीनों तो बिल्कुल हैं। इसके और पर्यायवाचियों की अगर हम बात करें तो हो जाता है आपका उमापति, कैलाशपति, शंभू, हर, महेश्वर, त्रिपुरारी, गंगाधर, चंद्रशेखर, महेश, चंद्रमौली, ये सारे जो है वो शिव के पर्यायवाची हैं, जिनका अर्थ होता है महादेव भई शंकर भगवान। और बात करें अगर चक्रपाणि की, तो ये जो है वो है आपका विष्णु भगवान के लिए पर्यायवाची शब्द। तो पूछा है यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा आपका सी यानी कि चक्रपाणि। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अज्ञ शब्द का विलोम है, तो वही यहाँ पे पूछा है अज्ञ शब्द का विलोम क्या है। तो देखिए अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है आपका विज्ञ। मूर्ख का अगर विलोम की अगर हम बात करें, देखिए आपका ऑप्शन अज्ञ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विज्ञ। मूर्ख का अगर हम बात करें तो मूर्ख का विलोम होता है विद्वान। अनुज की अगर हम बात करें तो उसका विलोम हो जाएगा अग्रज, और अल्प की अगर हम बात करें तो इसका विलोम होता है बहु। यहाँ पे देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं, अज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञ, मूर्ख का विलोम होता है विद्वान, अनुज का विलोम होता है अग्रज, और अल्प का विलोम होगा बहु। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तर्कश का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए तर्कश का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, तीर होगा, धनुष होगा, प्रत्यंचा या फिर निशंग। तो देखिए तर्कश जो है इसका पर्यायवाची जो यहाँ पे है निशंग सही हो जाएगा एकदम। निशंग का अर्थ होता है खड्ड, खड्ड धारण किए हुए, आपको पता ही होगा, ये सुना ही होगा आपने खड्ड। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं तुणीर भी हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं तुणीर। तो ध्यान रखिएगा तर्कश का पर्यायवाची शब्द अगर निशंग कह दे तो निशंग भी होता है, खड्ड आ जाए तो खड्ड इसका मीनिंग भी है, और तुणीर भी इसी का मीनिंग है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आसक्त का विलोम क्या है। तो देखिए आसक्त का विलोम जो है वो होता है अनासक्त, लेकिन अनासक्त यहाँ पे दिया नहीं है, तो अनासक्त के अलावा जो वर्ड दिया है वो है आपका विरक्त, तो विरक्त आपका हो जाएगा विलोम शब्द आसक्त के लिए। और बात करें अनुरक्त, तो इस ये जो अनुरक्त है इसका भी विलोम क्या होता है, विरक्त होता है, यानी कि अगर आसक्त दे दे तो भी इसका हम विरक्त लिख सकते हैं, अनुरक्त दे दे तो भी इसका विलोम हम विरक्त लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अनासक्त होता तो ये आपका उत्तर सही होता, क्योंकि यहाँ पे आसक्त है, आसक्त का एग्जैक्ट अपोजिट की हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनासक्त।
लेकिन अनासक्त यहाँ पे ये वर्ड नहीं दिया है, तो उसके अलावा जो वर्ड दिया है ये हो जाएगा आपका विरक्त, यानी कि आसक्त के लिए भी विरक्त आएगा, और अनुरक्त अगर कभी पूछ दे तो अनुरक्त के लिए भी अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा आपका विरक्त। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से देसज है, तो भाई देसज कौन सा है, सुंदर है, अंगूठा है, फटाफट है, या फिर साइकिल है। तो देखिए बात करें अगर हम यहाँ पे देसज शब्द पूछा है तो जो फटाफट है यही आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा देसज शब्द, अंगूठा जो है वो आपका तद्भव है, और साइकिल जो है वो है आपका विदेशी शब्द। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का एक युग्म जो है वो गलत दिया है और उसे हमें जो है वो पहचानना है। देखिए हल्दी का हरिद्रा होता है हम सबको ही पता है, अफीम का अहिफन होता है ये भी एकदम सही दिया है, अदरक का आर्द्रक होता है ये भी बिल्कुल सही दिया है, सेठ का श्रेष्ठ पढ़कर ही लगता है कि श्रेष्ठ का मतलब अलग होता है, सेठ का मतलब अलग होता है। संस्कृत की अगर हम बात करें तो सेठ को जो है हम श्रेष्ठी कहते हैं, यहाँ पे बड़ी की मात्रा आ जाएगी, यानी कि हम इस श्रेष्ठी की बात कर रहे हैं सेठ की नहीं, तो श्रेष्ठी जो है यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे पूछा युग्म कौन सा गलत है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यही युग्म जो है वो गलत है, बाकी सारे जो है वो सही दिए हैं। हल्दी का हरिद्रा होता है, अफीम का अहफिन होता है, और अदरक का आर्द्रक होता है, सेठ का जबकि श्रेष्ठी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, खेचर का पर्याय होगा, यानी कि पर्यायवाची की यहाँ पे बात हो रही है, तो खेचर का पर्यायवाची कौन सा होगा, आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए बात करते हैं अगर खेचर के पर्यायवाची की, तो ये आकाशचारी, तारागण, वायु, देवता, विमान, पक्षी, बादल, ग्रह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं, तो यानी कि जब ये तीनों आ जाए तो ये आपका इनमें से सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। देखिए बात किया है यहाँ पे वाक्य विचार की, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, तो व्याकरण में क्योंकि हम जब बात करते हैं तो इसके तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार होता है और एक होता है शब्द विचार और एक होता है वाक्य विचार। तो देखिए जब वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है और वाक्य विचार होता है, यहाँ पे जब अगर हम बात करते हैं वर्ण विचार की, तो वर्ण विचार में जो होते हैं भाषिक ध्वनियाँ आ जाती हैं, और अगर हम बात करते हैं शब्द विचार की, तो शब्द विचार में क्या होता है, शब्दों या पदों का वाक्य में विचार हो जाता है। अगर यहीं पे हम बात करें वाक्यों की, तो यहाँ पे जो है वाक्यों में शब्द विचार जो होते हैं या फिर पद हम कह सकते हैं, उन वाक्यों का विचार जो होता है वाक्यों से संबंधित नियमों को निर्देश करता है, और इसीलिए जो है यहाँ पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वाक्य विचार के लिए पूछा है, तो यहाँ पे क्या अंतर्गत आएगा, वाक्यों के अंतर्गत आएगा। कभी बोल दे वर्णों के लिए तो भाई वर्ण आ जाएगा, और शब्दों के लिए तो शब्द आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे कुछ पर्यायवाची दिए हैं जैसे कि राम भक्त, पवनसुत, बजरंगबली और कपीश्वर, इसमें से हमें बताना है कि हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए हनुमान जी की पर्यायवाची अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नहीं है वो हो जाएगा आपका राम भक्त, क्योंकि राम भक्त तो आप और मैं भी हो सकते हैं, तो ये जो पर्यायवाची है यहाँ पे नहीं सुमेलित होगा। और बात करते हैं अगर हनुमान जी के पर्यायवाची की, तो पवनसुत, बजरंगबली, कपीश्वर, महावीर, रामदूत, अजनेय, मारुति नंदन, पवन कुमार, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, जितेंद्रिय, पवन पुत्र, ये सारे जो है वो हनुमान भगवान के जो है वो पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कांच का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए कांच का पर्यायवाची शब्द सबको पता है कि शीशा होता है, लेकिन कौन सा वाला शीशा यहाँ पे दिया हुआ है, दो दो शीशे, यानी कि एक शक्कर वाले शीशे और एक है सड़क वाले शीशे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका शीशा। याद रखिएगा हमेशा शीशा जो है हम वो शक्कर वाले स से लिखते हैं, ना कि सड़क वाले स से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म जो है वो सही नहीं सुमेलित है, कमल का मृणाल, ओस निहार,
आकाश अभ्र या फिर गाय द्विज। तो बात अगर हम करते हैं कमल का पर्यायवाची तो मृणाल ही होता है, उसकी अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो उसका मतलब भी निहार होता है, आकाश का पर्यायवाची अभ्र होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं द्विज की, द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, और यहाँ पे जो है वो दिया गया है गाय, जिसका कोई इससे लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो गाय द्विज यही सुमेलित नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि, और इसका ऊपर लिखे है प्राण है कि प्यारी है। यहाँ पे रस आपको पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा रस है। तो बात करते हैं रस की, तो ये जो उपयुक्त पंक्तियाँ हैं इसमें जो है वो है आपका अद्भुत रस। अगर हम अद्भुत रस की बात करते हैं तो जहाँ सुनी अथवा अनसुनी वस्तु जो है, या फिर व्यक्ति हो गया या फिर स्थान हो गया, इनके विचित्र या फिर आश्चर्यजनक रूप को देखकर हम जो है वो विस्मित हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो अद्भुत भाव का रस जो है वो व्याप्त है। तो यहाँ पे जो है वो स्थायी भाव इसका क्या होता है, विस्मय होता है, अद्भुत का स्थायी भाव जो है वो विस्मय होता है। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक इव ब्राह्मण उठावे कांचो घट डारो फौरी रोको मेरु मुलुक जिम तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में पूछा है कि रस कौन सा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रस की तो ये है आपका जो है वो रौद्र रस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रौद्र रस की, देखिए रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो होता है क्रोध, यानी कि अपना शत्रु हो गया, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती है, और इसमें आलम्बन विभाव होते हैं तथा तो उनका कार्य या फिर चेष्टाएँ जो है वो इसके उद्दीपन की बात हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि आंखें लाल हो जाना, दांत पीसना, ठूको काटना, अस्त्र शस्त्र उठा लेना, ये सारी चीज़ें जो है वो इस रस में समाहित होती हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों में जो वो लक्ष्मण जी के क्रोध के भाव को यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पे जो है वो रौद्र रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अवधि शिला का उर पर था गरुभार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद पूछा है कि यहाँ पे कौन सा छंद की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं छंद की तो यहाँ पे है आपका बरवे छंद। देखिए बरवे छंद में होता क्या है, तो देखिए उपयुक्त पंक्तियों में जो वो पहला और तीसरा चरण जो है वो हो जाएगा आपका 12-12 मात्राओं का, और जो होगा दूसरा और चौथा चरण वो हो जाएगा आपका 7-7 मात्राओं का। तो यहीं पे जो है वो इसीलिए ये हो जाएगा आपका बरवे छंद। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, खसखुरा या फिर गुरखाली किस भाषा से है। तो यार बात करते हैं अगर खसखुरा और गुरखाली की, तो नेपाल की जो राजभाषा है ना यही है आपकी खसखुरा और गुरखाली भाषा। यहाँ पे जो है ना नेपाली लोग इनको पर्वतिया भी कहते हैं, गुरखाली भी कहते हैं, खसखुरा भी कहते हैं, इन नामों से जो है ये भाषा है जो वो इनकी राजभाषा यानी कि नेपाल की वो है प्रचलित। अगला क्वेश्चन हमारा है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। देखिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार या फिर समाज करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं, ना कि राष्ट्रपति, ना ही कवि, ना ही समाज करता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है, आलंकारिक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, समाज शैली या फिर लाक्षणिक शैली। देखिए अगर हम बात करें वैज्ञानिक शैली की तो ये जिससे बिलोंग करती है वो है आपकी वस्तुनिष्ठ शैली, यहाँ पे इसको हम वस्तुनिष्ठ शैली से ही प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, उस टाइप की ये शैली है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली जो है वो मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू। अगर हम बात करते हैं हिंदी की वैज्ञानिक तकनीकी और शब्दावली, यानी कि जो ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा गया था उसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है,
तो हिंदी के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः जो है वो अंग्रेजी भाषा जो है ना, इसी का अनुवाद है, इसी का जो है वो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। जैसे देखिए, मीटर को हम हिंदी में भी मीटर कहते हैं और इंग्लिश में भी मीटर कहते हैं। रेडियो को हम हिंदी में भी रेडियो कहते हैं और इंग्लिश में भी रेडियो कहते हैं। किलोग्राम को हम हिंदी में भी किलोग्राम कहते हैं, इंग्लिश में भी किलोग्राम कहते हैं। थर्मामीटर, तो थर्मामीटर को हम इंग्लिश में भी थर्मामीटर कहते हैं और हिंदी में भी थर्मामीटर कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो डायरेक्टली हम यहाँ पे इंग्लिश से डायरेक्टली प्रयुक्त करते हैं हिंदी में, उन्हीं को हम कहते हैं कि हिंदी के वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली। और ये मूलतः जो है वो जिस भाषा से ली गई है, जिसका अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, तो ये है आपकी अंग्रेजी भाषा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और आज के लिए जो आपका आखिरी प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विलोम शब्द है, बिफोर कंप्लीटिंग विद द लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सुपर ईडी के जो सुपर कंटेंट आपको मिलेंगे वो आपको यहीं पर मिलेंगे और कहीं नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ और अनभिज्ञ दिया गया है। ये तीन तो जो दिए हैं, अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ, ये तीनों भी जो हैं आपके ये सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी कि समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। और अगर बात करते हैं अनभिज्ञ की, तो ये डायरेक्टली हमको पता है अनभिज्ञ हम कब लिखते हैं, जब हम विपरीतार्थक शब्द लिखते हैं, विलोम लिखते हैं, अपोजिट लिखते हैं। तो यहाँ पर पूछा कि कौन सा शब्द जो है वो विलोम शब्द यहाँ पर है, तो आपका जो उत्तर है वो डी एकदम सही हो जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।